इसलिए नहीं है क्योंकि उनके उनके पास चुनाव के दौरान कोई सही मुद्दे थे नहीं। भारतीय जनता पार्टी को अपने आप में बहुत ही कन्विंसिंग मेजॉरिटी आने वाली है। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने राहुल गांधी पर बोला हमला का, 4 तारीख को परिणाम आएंगे खटाखट, फटाफट और सफाचट होगी कांग्रेस, राहुल गांधी छुट्टियां मनाने निकल जाएंगे। राहुल गांधी जी चिंता मत करो, जब आप 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो खटाखट फटाफट और सपासट सब हो जाए, एग्जिट पोल भी कह रहा है, और 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो सपासट कांग्रेस होगी। बीजेपी नेता माधवी लता ने विपक्ष और राहुल गांधी पर साधा निशाना कहा, विपक्ष ने एग्जिट पोल के बहस का बहिष्कार किया क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस की पूरी टीम डरी हुई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का डेलीगेशन, बीजेपी की ओर से पीयूष गोयल और कई अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर अपनी बात रखी है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के पहले इंडी गठबंधन नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिला, चुनाव आयोग के सामने 5 मांगे रखी, कहा पोस्टल बैलेट का रिजल्ट ईवीएम से पहले जारी हो। कांग्रेसी नेता अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने चुनाव आयोग के साथ वोटों की गिनती को लेकर लंबी चर्चा की, यह तीसरी बार है जब कई दलों का गठबंधन चुनाव आयोग से मिला है। पश्चिम बंगाल के 2 मतदान केंद्रों पर आज फिर डाले जाएंगे वोट, बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने दिया आदेश, 12-7 और मथुरापुर लोकसभा में दोनों बूथ मौजूद हैं। चुनाव के बाद संदेश खाली हिंसा पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी, संदेश खाली में 7वें फेज में वोटिंग के पहले और बाद में हिंसा पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने जवाब मांगा है। लोकसभा चुनाव के बाद संदेश खाली में पुलिस और महिलाओं में हुई झड़प, राज्यपाल ने ममता से दखल की मांग की, साथ ही चुनाव के बाद हिंसा को लेकर जताई चिंता। संदेश खाली में टीएमसी के गुंडे पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का बड़ा दावा, कहा बंगाल पुलिस टीएमसी के गुंडों के साथ मिलकर लोगों को धमका रही है, 4 जून के बाद वो सभी महिलाओं को विधवा बना देंगे। पश्चिम बंगाल के नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, मृतक के रिश्तेदारों ने टीएमसी के गुंडों पर लगाया हत्या का आरोप, जगह जगह प्रदर्शन, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग आज दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के वोटिंग प्रतिशत से लेकर मतगणना पर जानकारी दे सकता है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती की अवधि बढ़ाई, अब 6 नहीं 19 जून तक राज्य में तैनात रहेंगे केंद्रीय बलों की 400 कंपनियां, मतदान के बाद हिंसा की घटना के मद्देनजर चुनाव आयोग का फैसला। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही टोल टैक्स में वृद्धि का ऐलान, आज से टोल रोड पर चलना हुआ और महंगा, देश भर में टोल टैक्स में 5% की वृद्धि, कार पर 5 रुपए और भारी वाहनों के टोल दरें 20 रुपए तक बढ़ाई गई है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की आज नवदिल्ली कोर्ट में पेशी होगी, कोर्ट ने के कविता को बतौर आरोपी कोर्ट में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल शाम 5 बजे तिहाड़ जेल में सरेंडर किया, इससे पहले केजरीवाल ने आपके दफ्तर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सरेंडर करने के करीब 30 मिनट बाद ही राजीव ने कोर्ट ने केजरीवाल को 5 जून तक ईडी की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया।